गाजीपुर जिले के लोगों के लिए एक बेहद जरूरी खबर आ रही है। वैसे तो ये खबर 16 अगस्त के लिए है, लेकिन मामला बिजली की सप्लाई से जुड़ा है, इसलिए आपका इसे जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अंधौ स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र के मेंटेनेंस का फैसला लिया है। इस वजह से 16 अगस्त को बिजली की सप्लाई बाधित रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि इस मेंटेनेंस वर्क का असर गाजीपुर जिले के किन इलाकों में पड़ने वाला है। विद्युत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस उपकेंद्र से निकलने वाले सभी फीडरों की बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। इसके साथ ही 132 केवी कुंडेसर से निकलने वाले सभी फीडरों की भी आपूर्ति बाधित रहेगी। ट्रांसमिशन के उपखंड अधिकारी प्रशांत सोनी ने विस्तार से बताया है कि कहां कहां आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रशांत के मुताबिक मेंटेनेंस की वजह से प्रकाश नगर, रौजा, बिरनो, हंसराजपुर, महाराजगंज, लोटन इमली, कोट, अंधौ, पारा, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद, कुंडेसर, करीमुद्दीनपुर के साथ मरदह पंप कैनाल की आपूर्ति भी बाधित रहेगी। आपको बता दें कि मेंटेनेंस को लेकर इमरजेंसी आदेश आने के बाद ही फैसला लिया गया है। इन सब के बीच एक राहत की बात यह है कि बिजली विभाग अभी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की आपूर्ति बाधित होने की बात कह रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि समय से ये काम पूरा नहीं हुआ तो ये वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि इन इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कटौती के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि मेंटेनेंस के काम में लेट लतीफे की वजह से कई इलाकों में बिजली के छोटे बड़े फॉल्ट सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि गाजीपुर जिले के लोगों को अघोषित बिजली कटौती से दो चार होना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह समस्या कुछ बढ़ भी जाती है। उम्मीद की जा सकती है कि अंधौ उपकेंद्र के मेंटेनेंस का काम होने के बाद इससे जुड़े एक बड़े इलाके के लोगों को अघोषित बिजली कटौती से राहत मिल जाएगी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।